हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, पैलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार व आशीर्वाद। तो दोस्तों कैसे हो, आशा करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो मैं शिखा दामी आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए दिन के साथ, एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही 11 बजे से। तो अभी सुबह क्या दिन के 11 बजे, सुबह भी बोल सकते हैं, दिन भी बोल सकते हैं, जो आप समझते हैं, मेरे लिए तो सुबह ही है। तो सुबह के 11 बजे से, तो अभी हुआ है मेरा काम ख़त्म। तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ साड़ी, क्योंकि आज है मेरी बहन के लड़के का बर्थडे, तो हम लोग जाने वाले हैं बर्थडे में। मम्मी तो चली गई है और बच्चे गए हैं स्कूल, तो प्रिंसिपल ट्यूशन से लेते हुए मैं वहीं जाऊँगी सीधा। तो मैं साड़ी ट्राई कर रही थी, क्योंकि मैं साड़ी पहनने को सोच रही थी, बट कोई साड़ी ठीक ठाक लगी नहीं रही है। ये मेरी बिल्कुल नई साड़ी है, हल्के ग्रीन कलर की है, बट कैमरे में कुछ अलग ही कलर लग रहा है इसका। तो मैंने ट्राई करने के लिए ब्लाउज़ भी मैच किया है, थोड़ा थोड़ा ब्लाउज़ तो मैच भी हो ही रहा है, क्योंकि इसका ब्लाउज़ मैंने अभी सिलाया नहीं है। तो अब डिसीजन ले लिया, अब साड़ी नहीं पहनना है मुझे, अब मैं सूटी पहनने वाली हूँ, क्योंकि बैठ ही नहीं रही है। पता नहीं, ऑनलाइन मंगाया था मैंने इसको मीशो ऐप से। ये कैसी है और कितने की होगी, आप लोग कमेंट करके बताना। तो अभी तो काम ख़त्म हुआ, अब मैं बनाती हूँ खाना खा के फिर जाऊँगी प्रिंसी को छोड़ने 4 से 6, फिर 6 बजे के बाद ही जाऊँगी, क्योंकि काम वाम करने तो भैया लोग, जवाई जी लोग छुट्टी आए थे, जवाई मतलब एक, तो वो लोग चले गए हैं, मम्मी भी चली गई है लहसुन प्याज का छीलने के लिए, तो हम लोग लेट ही जाएंगे। तो सीधा मैं आप लोगों को बर्थडे में जाते समय तैयार होकर मिल। और एक चीज़, ये कल मैंने लगाई मेहंदी, मैंने खुद लगाई है मेहंदी, यहाँ भी ये ऐसी डिज़ाइन मैं खुद बना लेती हूँ, कैसी लग रही। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड जी का नाम भी लिखा है और यहाँ पे भी लिख रखा है। तो कैसी लगी है प्लीज़ बताना कमेंट करके। तो फाइनली बर्थडे में जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। प्रिंसी गई हुई है अभी ट्यूशन, और 5:30 हो गया है, 6 बजे वहीं से लेते हुए जाऊंगी। और मैंने लास्ट में सूट भी नहीं पहना, साड़ी भी नहीं पहना, पहन लिया टी शर्ट और लोअर, क्योंकि साथ में 3 बच्चे स्कूटी पे, तो सूट साड़ी में तो कंफर्टेबल नहीं होता है, और रात को लेके भी आना है, तो फिर ट्राउजर और टी शर्ट पहन दिया है। और थोड़ा जल्दी भी जाना है, क्योंकि गिफ्ट भी नहीं ले रखा है मैंने बच्चे के लिए, तो गिफ्ट भी लेते हुए जाऊँगी। ये प्रतीक ने अपने पापा और अपनी फोटो वाली टी शर्ट पहन रखी है, और दीदी ने पहन रखा है टॉप। तो दोस्तों चलते हैं प्रिंसी को लेते हुए। तो मैंने यहाँ पर पार्क कर लिया है, तो ये प्रिंसी को भी ट्यूशन से लेते हुए आई, और अब हम पहुँचने वाले हैं, और अब कुछ ले लेते हैं गिफ्ट। गिफ्ट में क्या ले रहे बाबू? टी शर्ट नहीं, तो उसके लिए पेंसिल लेकर, हाँ, तो देखते हैं हम लोग क्या पसंद आता है हमें। गिफ्ट में ली हमने ड्रेस, और अभी आए हम ATM निकालने में कुछ पैसे, क्योंकि आज 31 तारीख भी हो गई, 1 तारीख को तो गिफ्ट का दो, फीस दो, पैसों की सख्त जरूरत होती है। तो बहन के कमरे में पहुंच गई हूँ मैं, इसी घर पे रहती है मेरी बहन, तो बच्चे तो आगे दौड़ के पहुँच गए हैं, तो गाने वाने लगे हैं, देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहे हैं। कोई मेरे बाबू आए हैं, तो उनसे पहले इतने लोग यहाँ पधार गए हैं। ये डेकोरेशन तो बर्थडे बॉय है ये। जुग जुग जियो मेरे लाल, थैंक यू बड़ी मम्मा, बोलो थैंक यू, बोलो बड़ी मम्मी। क्या लेके आए देखो, तो ये क्या लेके आए आपके लिए? नहीं देख रहा, इसको गिफ्ट ही चाहिए। ओए सुना, पढ़ना नहीं करोगी? ओए खुश हो, इसकी पूजा पाठ हो रही, अभी डाट होगी, अभी ना आया नहीं तो पसीने हो रखे हैं इतने। ये मंदिर, छोटा सा मंदिर मेरी बहन का, ये दर्शन करा देते हैं आपको। ये बर्थडे बॉय भगवान की कृपा बने रहे आप,
ये बत्ती जला दी, इतनी छोटी बच्ची दिया बत्ती कर रही है। ये चीज़ भी हमारे पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा और अन्य जगह कहीं नहीं दिखेगा, इतनी छोटी बच्ची 6 साल की बच्ची पूरा दिया बत्ती कर रही है, अगरबत्ती भी जला। तो ये है बर्थडे बॉय की ड्रेस, बिल्कुल ये देखिए शेरवानी, ये पैजामा, अभी ये पहन के लगेगा हमारा लड़का हीरो। ये तो ये है मेरे दादा, ये बर्थडे के लिए स्पेशली आए धारचूला से। जवाहर जी को तो मैंने आपको बहुत टाइम दिखा लिया है, इनका भी अपना यूट्यूब चैनल है, नाम क्या है? नहीं नहीं केमिस्ट्री क्या है? उनकी समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा, कोई टैलेंटेड भी होंगे, नहीं आएगा नहीं आएगा, इनका ही भला करना है। हाँ आप भी बोलो मेरे चैनल के, मेरा डांस देख के बहुत हो गया मेरा। मैं हमारी दीदी का ब्लॉग देख के बहुत खुश हूँ और आप भी लाइक कीजिए और मेरे जितने दोस्त हैं और आप भी लाइक कीजिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए बस। थोड़ा मतलब ना जैसा हमने सोचा है उस टाइप का होता है ना, पदोन्नति उन्नति हो जाए काफी है। तो दादा का इतना आशीर्वाद मिलता है तो क्या बता, एक दिन यूट्यूबर, हाँ यूट्यूबर बनने का सपना सपने ही देने वाले। आप गाड़ी में घूमो और बाइक में घूमो और कहीं आगे पहुँचो, आगे से लाइक करते रहेंगे। अच्छा धन्यवाद बहुत बहुत, अपने दोस्तों को भी बताएंगे देखा सो सुना। और कुछ एक आध डायलॉग खाली मुंह में आते हैं, ऐसे नहीं आते, आते हैं आपको बहुत खतरनाक खतरनाक कैमरे। अरे मूले छुया आपको भी दिखाए जा रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, जोर से बोलो ना बाबू, हैप्पी बर्थडे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to dear Yasu, happy birthday to you. कैसा हुआ अभी खाना? बहुत ही टेस्टी है, चिकन और चावल खा रहे हैं। हाँ कैमरा तो बिल्कुल खराब ही नहीं था, क्या करूँ, बिल्कुल बेकार कैमरा है। आज कैसा हुआ खाना? मैंने अभी खाली खाया नहीं है, हड्डी हड्डी टेस्टी नहीं आ रहा है। चल अच्छे से निपट गई फिर लड़के का बर्थडे के। हाँ तो आप सबको निपटाते हो, उसके बाद दोनों मियां बीवी बैठते हैं फिर खाते हैं ना आराम से। उससे पहले हड्डी खा दी है? उससे पहले हड्डी बच्चे ने हड्डी दो। तो दोस्तों हम लोगों ने खाना वाना सब खा लिया है, अब सिर्फ बचे हैं मालिक साहब जिनके लड़के का बर्थडे था, मतलब जवाई जी, और खाना अभी भी बहुत बचा हुआ है और बर्तन है बहुत ज़्यादा, तो बर्तन बहन कल सुबह देगी, सुबह हम लोग निकलते हैं तो जाने की तैयारी हो गई है। सब ने खा खा के सब बैठे हुए हैं अभी। हो गया है, कैसा रहा बर्थडे पार्टी?
आज का क्या था टारगेट का गुस्सा जी भाई इधर देखो तो ये आज का मेन चीज है आज का गुस्सा सब डर गए हैं बॉडी भी दिखा दो बॉडी दिखाओ तो इसको मारते मारते हाथ थक गए ऐसे वाला बॉडी इसका डर गुस्सा बॉडी दिखाओ जी इन दोनों में खतरनाक फाइट हुई और इसी बर्थडे बॉय में भी आपने भी क्या बाबू लड़ाई हाँ ये इसको तो प्यार आ रहा है सोले के कौन कौन है ये बसंती बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना मैं नहीं नाचूंगी ओए धक्का मत दे इसको ओए